मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 10,000 पद की स्वीकृति जारी। पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने पीईबी को भी आदेश दे दिया है इसके बारे में, रूल बुक तैयार करने का। कब आपके वैकेंसी आने वाली है, कितनी वैकेंसी आएगी, पूरी जानकारी आपको आज हम इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स को। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको जानकारी सही लगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये कि जो आपके न्यूज़पेपर की कटिंग है, स्कूल शिक्षा विभाग ने पीईबी को दिया आदेश। इस वर्ष प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 10,000 नए शिक्षक पदस्थ करने का रास्ता साफ हो गया है। इस एक साल से अटकी हुई भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने 20 मार्च को प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी को लिखित परीक्षा कराने की तैयारी के निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होते ही पीईबी आवेदन पत्र आमंत्रित कर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर देगा। ठीक है, पहली क्लास से पांचवीं क्लास तक के प्रदेश के 19,000 प्राथमिक स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग के अफसरों के अनुसार हम प्रथम चरण में जुलाई 2019 तक 10,000 शिक्षकों के भर्ती करने चाहते हैं। इसके लिए पीईबी से एक साल से पत्राचार चल रहा है, लेकिन बीते सप्ताह 20 मार्च को स्कूल शिक्षा विभाग ने पीईबी को सेवा शर्तें भेजकर भर्ती की तैयारी का आदेश दिया है। ठीक है, फिर देखिए कि पद कितने खाली हैं। कुल 70,000 शिक्षकों की है कमी। प्रदेश में 1,15,503 सरकारी स्कूल हैं, इनमें से 81,335 जो आपके प्राथमिक हैं, 30,308 जो आपके माध्यमिक हैं और 3,863 जो आपके हाई स्कूल हैं। इनमें उच्चतर माध्यमिक शिक्षक वर्ग के 30,000, माध्यमिक शिक्षक वर्ग के 22,000 एवं प्राथमिक शिक्षकों के 19,000 से अधिक पद रिक्त हैं। बजट व संसाधन की कमी के चलते सरकार एक साथ इतने पद भरने से हिचक रही है। ठीक है, तो एक साथ इतने पद नहीं भरे जाएंगे, पर थोड़ा थोड़ा करके आपके लिए वैकेंसी आएंगी आगे चल के। ठीक है, देखिए प्रदेश में 10,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ। यह है पद और वेतन। उच्चतर शिक्षक वर्ग एक, जैसा कि आपने देखा 19,911 वेतन, 36,000 प्लस भत्ता रहेगा जो आपका। उच्चतर माध्यमिक शिक्षक वर्ग दो, 11,900 पद वेतन, 34,000 प्लस भत्ता। और प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 जिसकी हम बात कर रहे हैं स्पेशली, पद 10,000 वेतन, 25,000 प्लस आपका भत्ता रहेगा जो। ठीक है, तो ये आपने देखा, ये सब कुछ आपको न्यूज़पेपर में खुद से भी मिल जाएगा। 10 लाख आवेदक कर रहे हैं तैयारी। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2011-12 में कुल 8 लाख आवेदक बैठे थे, जो कि रिकॉर्ड है। अफसरों के अनुसार 6 साल के लंबे अंतराल के बाद होने वाली प्राथमिक शिक्षकों की ऑनलाइन होने वाली भर्ती परीक्षा में इस बार लगभग 10 लाख से अधिक आवेदकों के शामिल होने की उम्मीद है। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं कि ये जो आप पढ़ रहे हैं इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्या बताया गया कि हमें परीक्षा कराने के लिए विभाग से प्रस्ताव मिल चुका है। स्कूल शिक्षा विभाग से प्राथमिक शिक्षक परीक्षा के संबंध में हाल ही में पत्र प्राप्त हो गया है। रूल बुक मिलते ही हम परीक्षा की तैयारियां शुरू कर देंगे। परीक्षा का आयोजन आचार संहिता के बाद ही किया जाएगा। AKS भदौरिया, परीक्षा नियंत्रक पीईबी। ठीक है, तो ये आपने देखा न्यूज़पेपर की कटिंग जो हमने आपको बताया, ये हमें जानकारी मिली, इसलिए हम आपके जो हमारे साथ जुड़े हुए चैनल में सभी के लिए जानकारी देना एक उद्देश्य बनता है। और जितने लोग नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, छोटी छोटी जानकारी ऐसे ही आपको हम देते रहते हैं। साथ ही आपके लिए हम वीडियो भी प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे वीडियो का जो भी हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट अपडेट में। वीडियो को लाइक जरूर करें एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।